बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आलू कीमा की रेसिपी लेकर आए हैं। चूँकि बड़ी ईद आ रही है तो कुर्बानी करनी है और कीमा भी बनेगा, तो आप इस स्टाइल से ये रेसिपी बनाइएगा। बहुत मुनफरिद और घर के मसालों से तैयार की हुई है, तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए देखते हैं कैसे बनती है। ईद उज़ुहा या बड़ी ईद आ रही है, कीमा अक्सर बनता है, तो आज हम कीमा आलू बनाएंगे बहुत अच्छी और डिफरेंट रेसिपी के साथ और घर के मसालों के साथ। हमने आधा कप ऑयल डाल दिया है इसमें, कढ़ाई में दो प्याज लिए हमने और उनको हमने बारीक काट लिए। ये लहसुन है, एक लहसुन की गठी मैंने छील ली थी और उसको बारीक काट लिया था। जब तक हमारा मसाला तैयार होता है, हम आलू को, हमने चार आलू लिए हैं, इनको छील लिया है, इनमें हम बारीक आलू काटेंगे, ये इतने इतने, ज़्यादा मोटे इसमें नहीं काटेंगे, क्योंकि जो आलू गोश्त शोरबा बनाते हैं उसमें आलू मोटे कटते हैं, कीमे में बारीक होते हैं। हम तीन सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं और उनको बारीक काट ली है। 1/4 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली यानी सुरख मिर्च, ये अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, इनको मिक्स करेंगे। 1.5 बड़ा मैंने टमाटर लिया था, वो काट के हम डालेंगे। वन टेबल स्पून नमक, अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। टेबल स्पून गरम मसाला, सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आँच आपने, फ्लेम जो है आपने लो ही रखना है। मैंने 1 kg कीमा ली है। फाइव मिनट्स तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें आलू डालेंगे और फ्राई करेंगे, पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना। इस तरीके से आप ईद पे दावत में ये बनाएंगे और सबका दिल जीत लेंगे, सारे आप वाह वाह करेंगे कि कितनी खूबसूरत आपने डिश बनाई है। अब हम इसमें 4 टेबल स्पून दही डालेंगे और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ढक देंगे हल्की आंच पे। उसी से आलू भी गल जाएंगे, हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखिए, अभी आलू गले नहीं है। थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे ताकि आलू अच्छी तरह हमारे गल जाए। 1 कप हमने पानी लिया था, वो हमने उसमें से 1/2 कप हमने पानी डाला और फिर हम इसको ढककर हल्की आंच पर रख देंगे। फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और इसको हम डिश आउट करेंगे। आलू कीमा बनकर तैयार हो गया, डिश आउट हमने कर दिया है, अब इसको गार्निश कर लेंगे हम। आप भी बनाएं, उम्मीद है कि आपको बहुत ये रेसिपी पसंद आएगी और आपके अजीज़ भी आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे।